नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। पिछले साल 15 अगस्त 2015 को जश्न आजादी के दिन हमने शुरू किया था एक सफर, बेटियों को समर्पित एक कार्यक्रम, जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी इस 26 जनवरी को एक नया इतिहास कायम किया। सरकार ने हमारी गुजारिश पर 100 बेटियों को गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष मेहमान बनाया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हर वर्ग, हर राज्य और हर क्षेत्र की बेटियों को राजपथ पर विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री ने बाकायदा हौसला बढ़ाया। हम देश की सभी बेटियों की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजपथ से लेकर मन की बात में हर जगह बेटियों का सम्मान प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, तो इन मंत्रालयों ने हमारी कोशिशों को बल दिया। हमारी कोशिश है कि सोच बदले और समाज समझे कि हम क्यों बार बार कहते हैं अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। नए सप्ताह की शुरुआत एक ऐसी बेटी के साथ करते हैं जिसने इस मानसिकता को बदल के रख दिया है। ये साबित किया है कि बड़े घर की बेटियां सिर्फ आराम नहीं फरमाती हैं। आज हम आपको जिस बेटी से मिलवाने जा रहे हैं, उसने जीवन में कभी किसी अभाव को नहीं देखा, लेकिन बावजूद इसके दूसरों के दर्द को भांपने और उसे दूर करने को ही अपना लक्ष्य बनाया। कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया तो परिवार की ताकत भी बनी। मिलिए आज के एपिसोड में राष्ट्रीय बाल भवन के अध्यक्ष शालू जिंदल से। राष्ट्रीय बाल भवन, यूं तो अब तक कई अध्यक्ष बने हैं बच्चों के सबसे प्यारे संगठन के, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष शालू जिंदल ने न सिर्फ बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने के नए प्रयोग किए, बल्कि बाल भवन पहुंचने वाले बच्चों को पूरे भारत से रूबरू कराने के नए प्रयास भी। बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हीं की तरह व्यवहार करने वाली और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अध्यक्षा की व्यापक सोच का नतीजा है कि बाल भवन को देशव्यापी विस्तार देने की कवायद हो रही है, तो टेक्नोलॉजी से जोड़कर बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के प्रयास भी। आपके लिए तरह तरह से नए प्रोग्राम हम लोग लाकर रखें ताकि आप और सीखें, और मजा करें, और जो छुट्टियां हैं आपकी उसमें आप खूब मजे के साथ नई नई चीजें सीखें, ताकि जब आप आपके स्कूल जाएंगे तो आप अपने टीचर्स को और अपने जो दोस्त हैं उन सबको बता सकेंगे कि आपने राष्ट्रीय बाल भवन से क्या क्या नया सीखा है। लेकिन शालू जिंदल की पहचान इससे भी ज्यादा है। एक तरफ वे भविष्य के नए अंकुरों को पोषित करने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ समाज के उन चेहरों को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो जमीनी बदलावों के वाहक बन रहे हैं। जो स्वयं काम करता है वो काम करने वाले का सम्मान भी करता है। ये साबित करने के लिए शालू जिंदल ने हाल ही में स्वयं सिद्धा सम्मान का आयोजन करके देश के उन लोगों को सामने लाने का प्रयास किया जो गांव गांव तक भारत निर्माण का काम कर रहे हैं। This सम्मान honors people for their contribution to particular corporate social responsibility initiatives of the JSPL Foundation that they have been a part of, how they have taken it forward and how it has changed their life. समाज के साथ चलने की कोशिशें शिखर पर पहुंचने के बाद होती हैं, तो उसकी अहमियत भी बढ़ती है और इच्छा शक्ति का एहसास भी कराती है। देश के बड़े उद्योग घराने की इस बेटी और बहू के सामने दूसरी महिलाओं की तरह निजी जिंदगी में खोने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन शालू जिंदल ने एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की भूमिका में खुद को लाकर खड़ा किया, न कि एक रईस परिवार की बेटी और बहू के रूप में खुद को सीमित रखा। यही वजह है कि सामाजिक सरोकारों को पूरा करने वाले मीडिया के रूप में जब हमने बेटियों की श्रृंखला सामने लाने का फैसला किया, तो अगुवाई करने वे खुद पहुंची। अब के बरस मुझे बिटिया ही दीजिए, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज की हमारी बहुत ज़रूरत है अपने देश में, जो हम चाहते हैं कि महिलाओं को हम लोग आगे लेकर आएं, उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है आपके टीवी चैनल की तरफ से, और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करती हूँ। जिम्मेदारी सिर्फ समाज के प्रति नहीं,
बल्कि देश के लिए भी होती है। फ्लैग फाउंडेशन में उनकी सक्रियता इस सच को साबित करती है, तो आम आदमी तक तिरंगे को पहुंचाने में उनकी भूमिका उन्हें देश के प्रति जवाबदेह बेटियों की फहरिस्त में सबसे आगे रखती है। और जब बात खुद के प्रति जवाबदेही की आती है, तब भी शालू जिंदल एक नजीर है। नृत्य के शौक को कला के संरक्षण के लिए सहेजा। जन्म भले ही उत्तर भारत में हुआ हो, लेकिन दक्षिण भारत से जुड़े लोक नृत्य में खुद को पारंगत किया। कुचिपुड़ी नृत्यांगना के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और समाज ने भी इस बेटी के प्रयासों को खूब सराहा। एक साल जब हम बालाजी के चरणों के पास गए, हमें ये शिष्या वहीं पर बालाजी के चरणों के पास मिली। अरुणा ओसवाल, अभय ओसवाल, दे आर ऑल्सो ग्रेट ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। And even Savitri Jindal also, she is a devotee, and her husband also, great devotee of Lord Venkateshwara, Tirupati ka Balaji. यही नहीं, business management की पढ़ाई का सकारात्मक इस्तेमाल company की CSR गतिविधियों के लिए किया, और interior designing के अनुभव को परिवार की खूबसूरती बढ़ाने में लगाया। खूबसूरत बेटी और प्रतिभावान बेटी की ये माँ पर्वतारोहण के लिए वक्त भी निकालती हैं, तो घर का पूरा प्रबंधन भी देखती हैं। और इस पूरी सफलता में पहले माता पिता के संतुलित संस्कारों की भूमिका रही, तो शादी के बाद पति की प्रगतिवादी सोच ने उसे लगातार आगे बढ़ाया। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी ये बेटी देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है। शालू जिंदल जैसी बेटियां आर्थिक और सामाजिक खाई को पाटने का काम कर रही हैं, तो संभ्रांत वर्ग के युवाओं के लिए मिसाल भी बन रही हैं। वहीं ये बताने की कोशिश भी कि चमक दमक के बीच भी अंधेरे का एहसास होता है। तो कल आपको मिलवाएंगे एक जानलेवा हादसे के बाद चैंपियन बनी हरियाणा की छोटू बॉक्सर से। बस आप देखना न भूलें, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।